नमस्कार सभी को, मैं आपके साथ भावना नायक और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर में। पटना के अयान सिंह एक 9 माह का बच्चा जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। 16 करोड़ के एक इंजेक्शन से इस बच्चे की जान को बचाया जा सकता है, लेकिन परिवार मध्यम वर्ग का है तो इतने महंगे इलाज करवाने में असक्षम है। लेकिन किसी ने सही कहा, मानवता सबसे बड़ा धर्म है इस धरती पे। अयान के इलाज के लिए अब न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के बाहर भी कई लोग पैसे दे रहे हैं अयान की जान को बचाने के लिए। बिहार में तो कई लोगों ने इसे मुहिम तक बना दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पटना का एक छोटा बच्चा है अयान सिंह, हम लोग इसको लेके लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। परसों भी हमारे तरफ से मैंने स्वयं इसमें 11,000 की राशि डोनेट करी है, और कल हमारे एक मित्र जो हैं ज्ञान निकेतन अल्मुनाई एसोसिएशन की तरफ से 50,000, और फिर कल 50,000 का डोनेशन होगा। टोटल अभी तक जो राशि है, इस बच्चे को एक ऐसे इंजेक्शन की ज़रूरत है जिसकी कीमत 16 करोड़ है, जिसमें अभी तक 1.5 से 2 करोड़ के आसपास जमा हुआ है। एक महीने का समय कुल बचा हुआ है। एक महीने में हम सारे बिहारवासियों को एक होकर इस छोटे से बच्चे की, क्योंकि ये बात अब एक बच्चे की नहीं है, ये बात हर एक बिहारी की है जिसके बच्चे के साथ या किसी के माँ के साथ, किसी की बहन के साथ, किसी की बेटी के साथ अगर ये समस्या होगी, तो आज समय है हम लोगों को एकजुट होके एक होकर उस बच्चे को अगर हमने बचा लिया, विश्व में इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि एक छोटे से बच्चे को बचाने के लिए पूरा बिहार, पूरा राज्य, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर व्यक्ति विशेष इंसानियत के नाते सब लोगों ने मिलकर उसको बचाने का काम किया है, यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। इसलिए मुजफ्फरपुर ज़िले से जिज्ञासा मैडम है, इन्होंने शुभम जी को फ़ोन किया, शुभम जी ने मुझे कल रात फ़ोन किया। सब लोगों से, जितने भी लोग हमारे, जितने भी हम मुझे मानने वाले लोग हैं, हमारे जितने भी अपने लोग हैं, या जो लोग इंसानियत के नाते भी लगातार जो लोग मदद कर रहे हैं, अलग अलग ज़िलों में कैंपेन चला के, अलग अलग स्टेट में भी कैंपेन चल रहे हैं इसके लिए, तो आप सब लोगों से नम्र निवेदन है, 1 रुपया हो, 100 हो, 1,000 हो या 1,00,000 हो, देने का काम आप लोग ज़रूर करें। एक पटना की हमारी समाज सेविका मित्र हैं, वो हाउस वाइफ हैं, सोनी सिंह उनका नाम है, उन्होंने भी आज हाउस वाइफ होने के बावजूद उन्होंने 50,000 देने का काम किया है। जब एक हाउस वाइफ 50,000 दे सकती है, तो जो लोग कमा रहे हैं, जिन लोगों के पास 100 रुपया तो कम से कम डोनेट कर ही सकते हैं। इसलिए सभी भाइयों बहनों माताओं से नम्र निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं मैं सभी लोगों से कि 1 रुपया हो या 100 रुपया हो, डोनेट जरूर करें। ये बिहार वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी उसके बच्चे के बचने के बाद। इसी कड़ी में बीते दिनों मुजफ्फरपुर के युवा सहनी पार्क के सामने शहर के युवाओं के द्वारा अयान सिंह के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वहां मौजूद युवाओं ने बिहार के लोगों से आग्रह किया कि वो अयांश के मदद के लिए आगे आए और मानवता की रक्षा करें। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली जिज्ञासा ने कहा कि इस बच्चे के इलाज के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि सभी लोग कम से कम 100 रुपया अयांश के इलाज के लिए जरूर दें। मौके पर जिज्ञासा, जिला के युवा महासचिव सम्राट शुभम तिवारी इत्यादि लोग मौजूद रहे। हालांकि मामले के प्रकाश में आने के बाद बहुत लोगों ने इनकी मदद को हाथ बढ़ाया, लेकिन पर्याप्त राशि अभी तक इकट्ठा नहीं हो पाई है। इस वीडियो को देख रहे आप तमाम दर्शकों से निवेदन है कि आप भी अयांश की जिंदगी बचाने के लिए अपनी योगदान दें। आपकी ये छोटी से छोटी रकम अयांश की जिंदगी बचाने में मदद कर सकती है। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर पर आप अयांश की मदद कर सकते हैं।